होता हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढायका। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। जब भी मैं किसी पेंटिंग को देखती हूँ, सो आई ऑलवेज वंडर कि कैसे विद फ्यू कलर्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है विच अट्रैक्ट्स सो मेनी सोल्स। आखिर उनकी कला में ऐसा क्या जादू है? वेल, जब से मैंने शो होस्ट करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज्ड कि सारे शेफ्स एंड एनीबॉडी हु नोज हाउ टू कुक इज एन आर्टिस्ट। वो जानते हैं कि कैसे किसी रेसिपी को टेस्टी बनाना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, कौन सी आंच पर पकाना है, कौन सा ऑयल यूज करना है, वो भी उतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से बनाते हैं। तो उन सभी आर्टिस्टों को, इस आर्ट को, हमारा ये शो ट्रिब्यूट है। वाह क्या टेस्ट है। Our guests are actually fond of the food we serve, and we have been able to garner the expertise of serving honest Indian food, where there are no frills attached. Authentic Indian food, the way Indians have it in their houses. We have been able to maintain our client bases based on our food. Wow, kya taste hai? Hello, I am Shraddha Kapoor, and you are watching your favorite cookery show, jiska naam hai Wow, kya taste hai? Dosto, as you can see today again, we are here at Hotel Simrat. And to talk about this hotel, iski location bahut hi amazing hai. Its hospitality, services and food is what makes it a class apart. Well, food ki baat kar hi rahe hai, to chaliye chalte hai hamare kitchen mein. Wah, kya taste hai? Cold cucumber soup. Sabse pehle main, I would like to explain ki what is a cold cucumber soup. Cold cucumber soup originate hue the Poland mein. It is a European cuisine. बेसिकली क्यूक्यूम्बर को मेंट और क्रीम के साथ हम स्वर्ल करते हैं ब्लेंडर में, और यहाँ पे उसमें हमने न्यूट्रिशियस वैल्यू को ऐड करने के लिए किन्वा का इस्तेमाल किया है। किन्वा जो है वो एक हर्ब है जो कि हमें एंडीज माउंटेन्स में सबसे पहले फाउंड हुआ था, हमारे जो रेगुलर ग्रेन्स हैं उनकी डिस्कवरी से भी पहले, वहाँ से ट्रेवलर्स के थ्रू, क्योंकि स्पेनिश लोग इसको खाते थे और उनकी कॉलोनी होती थी अफ्रीका में, तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ रीच्ड टू मेडिटेरेनियन कोस्ट, और आज ये मेडिटेरेनियन कुसीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो दिस डिश कोल्ड क्यूक्यूम्बर सूप विद किन्वा, इट इज़ ए फ्यूजन बिटवीन अ यूरोपियन डिश एंड ए मेडिटेरेनियन कुसीन। और किन्वा जो होता है वो दिखने में आप बोल कह सकते हैं बाजरे की तरह दिखता है, एंड वाइल ईटिंग इट गिव्स यू ए टेक्सचर एंड स्मूथनेस ऑफ साबुदाना जो हम घर में खाते हैं अगर लेमन में बोले तो। और इसको सुपर फूड भी करार किया गया है नासा से, जिसमें ग्लूटेन, इट इज़ ग्लूटेन फ्री, इट इज़ हाई प्रोटीन कम्प्लीट, इट इज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री, सो ऑल दोज बेनिफिट्स कम्बाइंडली दे गेट यू ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिश विच इज़ फुल ऑफ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, होटल सम्राट के हमारे इस ब्यूटीफुल फूड कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। यू नो व्हाट, आज जब मैं होटल में आ रही थी तो मैंने देखा कुछ विजिटर्स को सूप पीते हुए, और वो सूप कुछ ऐसे पी रहे थे, वाओ डिलीशियस। उसी वक्त मैं इतना क्यूरियस हो गई जानने के लिए कि ऐसा कौन सा सूप है जो वो इतने दिल से पी रहे हैं। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं भी अपने शेफ को बोलूंगी, प्लीज शेफ हमें यही सूप बनाना सिखाइए। एंड यू नो व्हाट, पता करा तो पता चला वो सूप है क्यूकम्बर सूप। सो लेट्स वेलकम आवर शेफ, और उनसे बोलते हैं कि वो हमें बनाना सिखाएं क्यूकम्बर सूप। वेलकम शेफ मुकेश। हेलो श्रद्धा। हेलो व्यूअर्स। हेलो शेफ, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू श्रद्धा? वेरी फाइन शेफ। एज यू नो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें क्यूकम्बर सूप बनाना सिखाइए, हम भी बोल पाए कि वाओ कितना टेस्टी सूप है। जरूर श्रद्धा, अगर आपने फरमाइश की है तो इसे पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या बात है, दिस इज सो नाइस ऑफ यू शेफ, थैंक यू सो मच। तो हम बना रहे हैं आज क्यूकम्बर सूप। जरूर श्रद्धा, आज हम बना रहे हैं कोल्ड क्यूकम्बर सूप विद अ लिटिल ट्विस्ट। इसमें हम डालेंगे किनोवा। Wow, Chef, that's amazing. तो एक काम करते हैं, पहले जल्दी से हमारे फन फैक्ट्स देखते हैं, फिर वापस आके जानते हैं क्यूकम्बर सूप के बारे में। Did you know that
quinoa, which is cooked like many grains, but isn't a grain actually. It is the only food of vegetables that provides all amino acids. Its protein quality is like that of milk. Raw, uncooked quinoa is 13% water, 64% carbohydrates, 14% protein, and 6% fat. Potassium, calcium, magnesium, all these too. And the best thing is, it is gluten-free and easy to digest. Isn't that amazing? Wow, quinoa ke itne sare health benefits janne ke baad, I have decided ki main to apni diet mein chef zyada se zyada quinoa add karne wali hu. What say? Jaroor Shraddha, aur quinoa ke sare benefits aur nutritional values ke bare mein aap bata chuke hain, lekin kya aap jante hain ki quinoa ko hum pichle kuch saal se superfood ke taur pe jante hain. Lekin South America jaisi countries mein quinoa pichle kai sau saalon se use ho raha hai. Aur ye isko ugana itna aasan hai. नासा इसको अपने पोटेंशियल क्रॉप के रूप में देख रहा है आउटर स्पेस में. वाओ शेफ, तो यानी क्विनोआ बहुत हेल्दी है, राइट? सुपर फूड. परफेक्ट. तो शेफ, आज हम बनाने जा रहे हैं क्यूकुम्बर सूप. कोल्ड क्यूकुम्बर सूप विद क्विनोआ. विद क्विनोआ, वेरी नाइस. तो शेफ, बताइए पहले व्यूअर्स को कुछ सूप के बारे में. देखिए, जो आज हम बनाने जा रहे हैं, इट्स अ कोल्ड सूप. ठीक है, नॉर्मली आपने देखे होंगे कि सूप हॉट होते हैं. प्रिसाइज़ली. पाइपिंग हॉट सर्व होते हैं. बिल्कुल. कोल्ड सूप देने के पीछे हमारा लॉजिक ये है कि ये जो गर्मी पड़ रही है, इसको थोड़ा सा हम बीट करते हैं और एक रिफ्रेशिंग सा कोल्ड सूप यहाँ पे बनाते हैं और पीते हैं. क्या बात है शेफ, बिकॉज जनरली विंटर्स में सूप का इंटेक ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्म गर्म सूप पीने में विंटर्स में बहुत पीपल एंजॉय इट, राइट? लेकिन समर्स में भी पीपल एक्चुअली कैन एंजॉय सूप. ये बहुत डिफरेंट बात है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. श्योर श्योर. चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं बनाना कोल्ड कुकुम्बर सूप. सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपना किनुआ. ऑलराइट. इसके लिए हमने बर्नर ऑन कर दिया है. थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल. क्विनोआ के लिए बर्नर ऑन? जी हाँ. देखिए, इसमें हम एक ट्विस्ट ये दे रहे हैं कि हम इसमें किनुआ डाल रहे हैं, और किनुआ को जो हम बना रहे हैं, इसका जो कुकिंग मेथड है वो भी अपने आप में थोड़ा सा अनयूजुअल है. लेकिन अब हम इस सूप में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको बॉयल करने के बाद थोड़ा सा सौते करेंगे दूसरे इन्ग्रीडियंट्स के साथ. सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़ा सा चॉप गार्लिक. कोल्ड सूप्स में क्या होता है कि नॉर्मली कुकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है. कोल्ड सूप्स आर बेसिकली ब्लेंड ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. प्यूरी सूप है बट नो कुकिंग इन्वॉल्व. ओके. तो इसमें हमने सोचा कि किनुआ जो कि हम जिससे हम टॉप करेंगे इस सूप को, उसको थोड़ा कुक करते हैं. ऑलराइट. तो शेफ, कुछ कॉन्सेप्ट बताइए, ये कोल्ड सूप्स का कॉन्सेप्ट कब आया एक्चुअली, और क्या है बेसिकली ये? बिकॉज जनरली हमने तो हॉट सूप्स ही सुने हैं. देखिए, ज़्यादातर हॉट सूप्स ही पॉपुलर हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये यूरोप से ये कॉन्सेप्ट जो है ये इन्वेंट हुआ था. यूरोप में जैसे कि हमारा कुकुम्बर सूप है जिसको हम आज बना रहे हैं, ये पोलैंड और लिथुआनिया जो यूरोप में है जी, यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट हुआ था. चलिए, इसमें अब हम जल्दी से डालते हैं थोड़े से चॉप अनियंस. So ginger, garlic and onions. जी. इसके अलावा भी और बहुत सारे कोल्ड सूप्स हैं जो कि बड़े फेमस हैं. जैसे कि हम मेलन सूप ले सकते हैं. आजकल समर में मेलन बड़े हिट हैं. वाटरमेलन, हमारे मस्क मेलन जी. इसके अलावा एवोकाडो का सूप हम दे सकते हैं. कोकोनट फ्लेवर्ड सूप हम दे सकते हैं. ये गैस्पैचो सूप जो कि स्पेन का नेशनल सूप है, दैट इज अ कोल्ड सूप. इट्स अ टोमेटो सूप मिक्स विद सम कुकुम्बर. चलिए, हमारे अनियंस हो चुके हैं. अब हम इसमें डालेंगे किनोआ. तो ये बॉइल्ड किनोआ है जिसमें ऑलरेडी थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट है. तो हमारा पर्पस है कि हम इसको थोड़ा कुक करें और इसका जो वाटर कंटेंट है इसको ड्राई कर लें. तो इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स. चलिए, थोड़ा सा इसमें सीजन करते हैं इसको. थोड़ा सा सॉल्ट. ब्लैक पेपर पाउडर. देखिए, किनोवा के अपने हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं, और उसके बाद जब इसको इस तरह से पकाया जाता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो इसका फ्लेवर एनहांस होता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है. ऑलराइट. सो एज आई कैन सी, बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, बिकॉज़ इसमें क्यूकम्बर यूज हो रहे हैं, व्हिच इज इन इटसेल्फ जो इतने ज्यादा
हेल्दी हैं आई वुड से. बिल्कुल बिल्कुल, समर के लिए दिस इज द बेस्ट फूड एक्चुअली. पर एज आई कैन सी शेफ, हमने क्यूकम्बर में इसको डीसीडेड किया हुआ है, व्हाई इज दैट? इस रेसिपी के लिए हमने इसको डीसीडेड किया है ताकि जो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये जो सीड्स हैं ये हमारे सूप में ना आए और हमारे मुंह में ना आए, एक वो टेक्सचर है वो खराब ना हो. जी, टेक्सचर खराब होगा और जो जब हम एंजॉय कर रहे होंगे सूप को तो वो सीड्स बीच में आकर वो हमारा फ्लो ना खराब करे. ऑलराइट, परफेक्ट. मेरे हिसाब से श्रद्धा जी अब ये किनोवा हो चुका है तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एक बाउल में. और इसको फर्दर यूज के लिए रख देते हैं. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सूप से. तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपने कुकुम्बर्स. इसके बाद हमने ये थोड़ा हंग करके करके रखा हुआ है, इसमें ये डालते हैं. श्रद्धा जी हम इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें सार क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वो इसको अपना अलग फ्लेवर देगा. Alright. थोड़ा सा हम क्यूमिन पाउडर डालेंगे. क्यूमिन पाउडर इसको अपना एक अलग फ्लेवर और एक अलग हिट देगा. थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मिंट लीव्स क्योंकि हमने ऑलरेडी चॉप किए हुए. इसके अलावा थोड़ा ब्लैक पेपर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, लास्टली थोड़ा सा लेमन जूस. तो श्रद्धा जी इससे पहले कि हम अपने सूप को ब्लेंड करें तो हम अपने व्यूअर्स से हर एपिसोड में क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए वो पूछ लेते हैं. बिल्कुल शेफ, ऑल योर्स. तो व्यूअर्स आज का क्वेश्चन है कि जब हम नूडल्स या पास्ता को बॉईल करते हैं तो वो क्या ट्रिक यूज करें या उसको कैसे ट्रीट करें ताकि वो आपस में चिपके ना. इट डजंट स्टिक टू ईच अदर. मैं भी जानना चाहूंगी शेफ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है. इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसका जवाब हम अपने अगले सेगमेंट में देंगे. इसको हम ब्लेंड करते हैं. इसको हमें फाइन ब्लेंड करना है ताकि ये वो सूप की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें मिल सके. और ये बहुत ज़्यादा पतला सूप नहीं होता है, थोड़ा सा थिक ही होता है. हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है. अच्छा एक बात और श्रद्धा जी, क्योंकि ये कोल्ड कुकुम्बर सूप है तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसको बनाने के बाद इसे कम से कम एक घंटे के लिए हम फ्रीज करें. तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं. इसमें अब हम डालेंगे अपना किनोवा जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ है. इसके ऊपर जस्ट लाइक दिस. और इसके ऊपर हम गार्निश देंगे मिंट लीव्स का. तो शेफ ये तो हमने बनाया क्यूकुम्बर सूप. शेफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कोल्ड क्यूकुम्बर सूप वही है जो रशिया और यूक्रेन में रसोलनिक के नाम से जाना जाता है. बिल्कुल ठीक सुना है. यस आई न्यू दिस शेफ. तो चलिए आई थिंक इट्स रेडी. प्लीज आप इसको टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है. बिल्कुल शेफ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये इतना सुंदर दिख रहा है ना कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसे खराब करने का. पर हमारे शो की प्रथा है कि हमें हमारे व्यूअर्स को बताना होता है कि कैसी बनी है डिश जो हमने मेहनत करी है, उसका क्या फल आया है. राइट, सो लेट्स टेस्ट इट. वाओ शेफ, बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है. मिंट का बहुत अच्छा फ्लेवर आया है मुझे अभी अभी और लेमन का एक वो खट्टा सा बन है ना थोड़ा सा, बिल्कुल वो बहुत टेस्टी लग रहा है. क्यूनोवा मेरे बिल्कुल अभी मैंने टेस्ट किया है, इट इज जस्ट टू यमी मैन. एंड लेट मी टेल यू, एक बहुत ही वंडरफुल एपेटाइजर है फॉर द समर टाइम. इसमें वो जो क्रीमी टेक्सचर आ रहा है दैट इज ऑल्सो वंडरफुल. तो मतलब समर टाइम के लिए इतनी हेल्दी रेसिपी, अमेजिंग. जल्दी से इसका रिकैप देखिए.
कोल्ड क्यूकम्बर सूप विद क्विनोआ बनाने के लिए एक पैन में ऑयल, चॉप्ड गार्लिक, जिंजर, चॉप्ड अनियन, सोक्ड क्विनोआ डाल के अच्छे से पकाएं। अब इसमें नमक, ब्लैक पेपर डाल के और पकाएं। फिर बोल में ट्रांसफर कर लें। अब एक ब्लेंडर में क्यूकम्बर, हंकर्ड, फ्रेश क्रीम, क्यूमिन पाउडर, मिंट लीव्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन जूस डाल के ब्लेंड करें। अब एक बोल में ट्रांसफर करें और एक घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें। रेफ्रिजरेट करने के बाद भून के रखा हुआ क्विनोआ की टॉपिंग करें, मिंट से गार्निश करके ठंडा ठंडा परोसें। वाह, क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, क्या आप रेडी हैं प्रिपेयर करने के लिए बच्चों का लंच बॉक्स? वेल, यू नो ना, बच्चों को ही खुश करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए तो ये सेगमेंट हमने स्पेशली उनके लिए रखी गई है। पहले से कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन दाल वैसी बनी भी तो होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे शेफ कौन सी दाल बनाना सिखा रहे हैं और कैसे। लेट्स गो। वाह, क्या टेस्ट है। मूंग दाल चिला, ये दिस इज अ ब्रेकफास्ट डिश आल्सो बिकॉज़ इट इज वेरी लाइट एंड इट इज गुड एंड एट द सेम टाइम इट गोज वेरी गुड एज एन इवनिंग स्नैक आल्सो। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये चीज क्योंकि इसमें आउटर लेयर बहुत क्रिस्पी हो जाती है। हम लोग यूज कर रहे हैं साबुत मूंग का। साबुत मूंग का जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा है, अमीनो एसिड्स एंड विटामिंस बहुत अच्छे हैं, जिसको हम फिल कर रहे हैं कॉटेज चीज़ से। ऑफ कोर्स डेयरी प्रोडक्ट है, प्रोटीन रेगुलरली उसमें रहेगा ही। बीट रूट के हम जूलियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं टू एड लिटिल बिट ऑफ कलर, एट द सेम टाइम इट मेक्स इट लुक अ बिट मोर अपीलिंग टू द किड्स। और इसके भी छोटे छोटे डायमंड्स जब हम बीच में से काट के सर्व करते हैं तो दोनों साइड से जो कलरफुलनेस आती है उसकी वजह से इट बिकम्स ए मिस्टीरियस डिश। एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाट इज इनसाइड एंड दैट इज हाउ दिस डिश बिकम्स एन अमेजिंगली टेस्टफुल डिश। वाह, क्या टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, सो यू आर बैक। आप सबका स्वागत है हमारे इस दूसरे सेगमेंट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस नए सेगमेंट में बात करते हैं बच्चों के मील बॉक्स के लिए, तो मैं वही सोच रहा था कि हम क्या नए आइडियाज़ अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों के खाने को और बच्चों के मील बॉक्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। तो उन्हीं आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ जो मेरे माइंड में क्लिक हुए और अब मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ऐसी एक रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मूंग दाल के चीले। देखिए दोस्तों, ये जो दाल हमने पीस के रखी हुई है, तो आप चाहें तो शाम को इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लेकिन हम बात करें बच्चों के मील बॉक्स की तो हम उसको उसी तरह बनाने जा रहे हैं। अब ये पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें इतना डालना है कि सिर्फ ये ग्रीस हो जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसको एक टिश्यू पेपर या एक ब्रश के साथ रब कर सकते हैं, देखिए इस तरह। तो अब ये फ्राइंग पैन हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है इसको। तो अब इसमें हम डालेंगे हमारा मूंग दाल का बैटर, इस तरह डालना है और इसको हल्के हल्के से, हल्के हाथों से फैलाना है, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसमें कुछ ऑयल की बूंदें डाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात, हम यहाँ पे छिलके वाली मूंग दाल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो धुली हुई मूंग की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। छिलके वाली मूंग की दाल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और ये खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हमने छिलके वाली मूंग दाल यूज़ की है। बाकी जैसा आपकी चॉइस। देखिए ये चीला अब पकने लगा है। तो दोस्तों, जब तक हमारा ये चीला पक रहा है, हम बात करते हैं अपने उस सवाल की जो हमने अपने पहले सेगमेंट में पूछा था, और वो ये था कि नूडल्स और पास्ता को बॉईल करने के बाद किस तरह से ट्रीट करें ताकि वो आपस में चिपके ना। तो इसका सही जवाब है कि बॉइलिंग वाटर से निकालने के बाद उसको कूल वाटर के नीचे डालना चाहिए। इस तरह से ये पास्ता या आपका नूडल्स ये अलग हो जाएंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं।
चलिए देखिए हमारा ये चीला एक तरफ से पक गया है, अब हम इसमें जल्दी जल्दी से डालेंगे अपना ये ग्रेटेड कॉटेज चीज, साथ में इसके थोड़ा सा अनियन, थोड़ी ग्रीन चिली अपने स्वाद के हिसाब से, मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हम ये सब बच्चों के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा जिंजर, हल्का सा सॉल्ट और इसको जल्दी जल्दी से हम पलट देते हैं, देखिए इस तरह, वेरी नाइस। तो ये इस तरह से इसका रोल बना लेते हैं, आप चाहें तो इसका पार्सल भी बना सकते हैं या एनवेलप फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं। देखिए हमारा एक चीला तैयार है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए है और बच्चे बढ़ते हुए बच्चे हैं और बच्चों के साथ उनके फ्रेंड्स भी हैं तो बच्चे अकेले खाना नहीं खाते, तो हम एक और चीला बनाएंगे और बच्चों के लंच बॉक्स में दो चीले देंगे। थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा डस्ट करेंगे, थोड़ी सी ऑयल की बूंदें डालेंगे, एक बार पलट देते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है इसमें। तो अब इसको पलट के इसकी स्टफिंग करते हैं, पनीर, अगेन चॉप्ड ऑनियंस, ग्रीन चिली, थोड़ा सा जिंजर, सॉल्ट और इसको जल्दी जल्दी से फोल्ड कर देंगे। अब क्योंकि ये बच्चों के लिए लंच है तो ये बच्चों के मील बॉक्स में ही जाएगा, तो जल्दी से इसको तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर इन चीलों को हम सर्व कर रहे हैं थोड़े से कचुंबर सैलड के साथ, आप चाहें तो फ्रूट्स भी ले सकते हैं या फिर कोई रायता या कोई चटनी, क्योंकि हमें बच्चों को एक बैलेंस मील देना है जिससे कि उनकी सारी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सके और बच्चों को जो कलरफुल और देखने में बहुत बढ़िया सा खाना मिलेगा उसकी बात ही क्या है। देखिए तो ये मील बॉक्स हमारा तैयार है, एक बहुत ही खासम खास और फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो इसको ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए and I'm sure they will like it. मूंग दाल चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग की दाल को 8 से 10 घंटे तक सोक करके ब्लेंड कर लें, फिर एक पैन में ऑयल डाल के स्प्रेड करें और मूंग दाल के बैटर को डाल के दोनों तरफ से पका लें, फिर उसमें ग्रेटेड कॉटेज चीज, अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, सॉल्ट डाल के रोल करें और बच्चों को पैक करके लंच बॉक्स में दें। वाह, क्या टेस्ट है! Well, if you don't know how to paint, never mind. But you should know how to appreciate. Well, talking about myself, मुझे हमेशा से ही अच्छे खाने को अप्रिशिएट करना जरूर आता था। Well, I never thought that I can also become a good cook, but इस शो के जरिए मैं भी काफी कुछ सीख चुकी हूँ, and I'm sure आप भी इस कुकिंग के सफर में काफी कुछ सीख रहे हैं। तो अपने फीडबैक और सजेशन हमें मेल करिए, हमारा मेल आईडी है wahkyataste@gmail.com। दोस्तों अपने अंदर के कुकिंग आर्टिस्ट को जगाइए और ऑलरेडी अगर जगा हुआ है तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कराइए। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल, नमस्कार। फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। Wah, kya taste hai? Wah, kya taste hai?
टेस्ट है।